YouTube चैनल, कैसे हैं आप? मैं हूँ रिता शकील। तो कैसी गुजरी आप सबकी ईद? किस किस ने ईद बोर गुजारी और किस किस ने फ़न किया? तो जैसी भी गुजरी, चलिए अब छुट्टियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, चलिए अपने काम पे वापस आते हैं। वैसे मैंने जो कल की वीडियो अपलोड की थी वो मैंने ईद से पहले ही बना के रखी हुई थी, तो मैंने वो कल अपलोड की, लेकिन आज रियल वीडियो बना रही हूँ ईद के बाद। ये फर्स्ट वीडियो है तो जो कि डार्क सर्कल के लिए है। ईद से पहले मैंने एक बनाई थी, लेकिन किसी व्यूवर्स ने मुझे एक फरमाइश की थी कि वो वीडियो जो थी आपने, उसने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं जॉब करती हूँ दिन को रात को भी, तो इसलिए कोई अच्छी सी वीडियो इसके लिए और बनाए और होम रेमेडी हो। तो चलिए मैंने कहा उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देते हैं ईद के बाद। फौरी मैंने उनसे बोला था कि फ़र्स्ट वीडियो आपके लिए होगी, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले उसके अंदर जो हमें चीज़ चाहिए वो है तिब्बत स्नो क्रीम। ये देखिए आपके सामने है, हर घर में मौजूद होगी, ना भी होगी तो बहुत आम सी चीज़ है, मार्केट से अवेलेबल, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। और उसके बाद ये है रोज़ वाटर, ठीक है, एलोवेरा जेल, इवियन के कैप्सूल, रेड ले लें, ब्लू ले लें, ग्रीन ले लें, जो भी आपको अवेलेबल मिल जाए, ठीक है। और एक छोटी सी बॉल और एक चम्मच, ठीक है। तो तिब्बत स्नो क्रीम जो है आपने कुछ क्वान्टिटी में लेनी है, ये देखें इस तरह से थोड़ी सी मैं लूँगी, ये देखें, बस आपने उतनी बनानी है जितनी कि आप यूज़ कर लें। तो उसके बाद ये है रोज़ वाटर, जो कि हमने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं बस। ज़्यादा ही डल गया, ये देखें, सिर्फ मैं 1 मिनट 2 से 3 ड्रॉप ही लूँगी, ये देखें। तो बाकी का इसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो अभी इसके अंदर जो जाएगी वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो आपने उतनी ही क्वांटिटी में लेनी है जितनी आपने क्रीम लेनी है, ये देखें एलोवेरा जेल हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे इवियन के कैप्सूल, ये देखें, ये मैंने रेड वाले लिए हैं शायद, हाँ जी ये रेड वाले हैं। आप ब्लू ले लें या फिर ग्रीन ले लें, जो भी आपको अवेलेबल अच्छे मिल जाए आप ले लें। और आपने इसको ऊपर से इस तरह से कट करना है और इसके अंदर ऐड कर देना है, ये देखिए इसके अंदर ऐड कर देना है, ये जेल फॉर्म में होगा, इस तरह से आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने स्किन पे अप्लाई करना है, कुछ इस तरह से आपने अपने आई, अंडर आइज़ पे इस तरह से आपने लगाना है और मसाज करना है 2 से 3 मिनट, जब तक कि यह स्किन में अब्सॉर्ब ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह आपने स्किन में जज्ब करना है इसको, ये देखें, और 2 से 3 मिनट का गैप दे के उसके बाद आपने इसके ऊपर दोबारा से फिर अप्लाई करना है, एक मोटी सी लेयर बना देनी है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से अंडर आइज़ पे, इस तरह से अंडर आइज़ के नीचे इस तरह से आपने एक मोटी सी लेयर लगा देनी है और थोड़ी सी पंखे के नीचे ठंडी हवा लेनी है। और उसके बाद आप लोगों ने सो जाना है और सुबह उठने के बाद आपने ठंडे पानी से जो है अपना फेस को वॉश करना है। तो ठंडा पानी आप, अगर आपकी नल से ना निकले क्योंकि गर्मी है, तो कोई भी आइस क्यूब्स डाल लें, 2 आइस क्यूब्स डाल लें और ठंडा पानी निकालें और अपना फेस को वॉश कर लें, इससे भी डार्क सर्कल बहुत अच्छी तरीके से गायब हो जाएंगे और अपनी नींद पूरी लें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो 10 दिन के अंदर अंदर आपके इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपके जो डार्क सर्कल है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिले तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।